नमस्कार मित्रों, सुंदरी साधना के अंतर्गत तिलोत्तमा अप्सरा का नाम सबसे ऊपर और अग्रगणी है, क्योंकि ये देवी इंद्रलोक की सर्वश्रेष्ठ अप्सरा होने के साथ साथ में सर्वशक्तिमान और सर्वशक्तियों से युक्त है और धरती लोगों की आकांक्षा को पूर्ण करने में सक्षम है। यानी कि हम मनुष्यों की इच्छाओं को पूर्ति करना और मित्र रूप में सहभागी बनना और हर कार्य में हमारी मदद करना, ये इनका स्वभाव है, बशर्ते इनको सिर्फ सिद्ध कर लेने की जरूरत पड़ती है। और इनका आने का समय अर्धरात्रि की वेला होता है और ब्रह्म वेला से पूर्व ये अपने लोक को प्रस्थान कर जाती है और इसी प्रकार से गमनागमन करती हुई हमारी महत्वाकांक्षाओं आकांक्षाओं इच्छाओं को यह पूर्ण करती है और हमारी हर प्रकार से मदद करती है। देखिए, हमारे शास्त्रों के अंदर इन अप्सराओं की साधना का विधान है और तिलोत्तमा अप्सरा साधना सर्वश्रेष्ठ साधना और अति दिव्य साधना मानी गई है, क्योंकि यह सर्वश्रेष्ठ साधना होने के साथ साथ में व्यक्ति को पूर्णता की प्राप्ति करा देती है। यानी कि व्यक्ति के जीवन में कोई कमी हो ही नहीं सकती उस व्यक्ति के जो इस साधना को सिद्ध कर लेता है, यानी कि इस देवी की सिद्धि कर लेता है। इसलिए अवश्य ही हमें पूर्ण रूप से विधान जानने के पश्चात में यह साधना अवश्य करनी चाहिए। तिलोत्तमा अप्सरा साधना मात्र 11 दिन की साधना है और विशेष रूप से कई साधकों को 7 या 8 दिन में ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है, इसलिए यह सबसे जल्दी सिद्ध होने वाली साधना मानी गई है। इसलिए अवश्य ही इन साधनाओं को हमें करना चाहिए, क्योंकि अप्सरा साधना एक सात्विक और सौम्य साधना होती है, बशर्ते अत्यंत साधना है मगर यह सात्विक साधना है। इसलिए इस साधना को अवश्य ही कोई भी व्यक्ति सिद्ध कर सकता है, चाहे पारिवारिक आदमी हो, चाहे वह व्यक्ति सन्यासी हो, चाहे कोई भी हो, इस साधना को सिद्ध कर सकता है। पुरुष और महिला दोनों इस साधना को सिद्ध कर सकते हैं। साधना के कुछ विशेष नियम हैं जो कि आप जान लीजिए, जैसे ब्रह्मचर्य का पालन है, नशे पते से दूर रहना है और सात्विक सदाचार का आहार है। इस प्रकार से इन नियमों को पालन करके अगर आप ये साधना करते हैं तो अवश्य ही 2 या 3 दिन में ही आपको अनुभूति शुरू हो जाएगी और बशर्ते शुरुआती दिनों में स्वप्नावस्था के दौरान ही देवी के दर्शन हो जाते हैं और साधना के अंतिम दिनों में अवश्य ही देवी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। कई साधकों को दूर दराज के स्थान में सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जैसे आपने साधना 11 दिन की साधना सिद्ध करी है और आपको कुछ विशेष अनुभव हुए हैं और मगर आपको प्रत्यक्षीकरण का अनुभव अपने सामने कुछ साधकों को नहीं होता है, मगर ऐसे साधक जब कोई दिव्य अलौकिक स्थानों पर भ्रमण करने जाते हैं, चाहे वह हिमाचल हो चाहे हिमालय हो, तो ऐसे स्थानों में दुर्गम स्थानों में अवश्य ही उनकी भेंट उन देवियों से हो ही जाती है। इसलिए साधना बड़ी दिव्य है और देवी दर्शन अवश्य देती है, क्योंकि अगर ये दर्शन आपको नहीं देती है तो इनको उस लोक के अंदर कष्ट भोगना पड़ता है। इसलिए उनको यह भगवान शंकर द्वारा प्रदत्त साधना है, इसलिए अवश्य ही उनको आपको दर्शन देना ही पड़ता है। इसलिए घर के अंदर एकांत कमरे में भी अगर आप इसकी सिद्धि करते हैं तो अवश्य ही इनका दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है और हमारी बाकायदा इनसे बातचीत भी होती है, यह बिल्कुल सत्य बात है। इसलिए अवश्य ही एकांत स्थान में शांत वातावरण के अंदर अगर आप ये साधना करेंगे तो अवश्य ही आपको सिद्धि मिलेगी। कई लोग दूर दराज के मंदिरों का चयन करते हैं क्योंकि वह एकांत की तलाश में दूर दराज के क्षेत्रों में जाते हैं, क्योंकि जनशून्य स्थान अगर नहीं होता है तो किसी न किसी प्रकार का व्यवधान उपस्थित होता है, बाधा उपस्थित होती है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह एकांत स्थान का चयन करे या अपने नज़दीकी किसी शिवालय का चयन कर सकता है। वहां जाकर के वह बैठ करके साधना सिद्ध कर सकता है और अर्धरात्रि की वेला में देवी का दर्शन अवश्य होता है और वह आपकी इच्छा पूर्ण करती है, इसमें संदेह नहीं है। मित्रों, ये साधना शुक्रवार की रात से शुरू की जाती है। किसी भी शुक्रवार की रात से ये साधना आप आरंभ कर सकते हैं और आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए और जो वस्तु आपको चाहिए है वो पंचोपचार पूजन यंत्र का करने के लिए आपको चाहिए होती है, क्योंकि अप्सरा या तिलोत्तमा का यंत्र अपने सामने आपको स्थापित करना पड़ता है। अपने सामने यंत्र को स्थापित करने के पश्चात में आप कुमकुम अक्षत और पंचामृत से उस यंत्र का पूजन करें और दूध से बनी मिठाई का भोग रखें और गुलाब के पुष्प और गुलाब के इत्र अवश्य उनको भेंट करें। तत्पश्चात ही मंत्र जप आरंभ करना चाहिए। साधना रात्रि के 10 बजे के पश्चात ही आरंभ करें, क्योंकि जल्दी साधना आरंभ करने का मतलब नहीं है, क्योंकि इनका आने का समय भी 12 बजे के बाद ही है। इसलिए अवश्य ही आप रात्रिकाल में ही साधना करें और इसका मंत्र इस प्रकार है, ओम श्रीम तिलोत्तमे आगच्छ आगच्छ स्वाहा। यह सब सिद्धि प्रदान कर देने वाला सुफला मंत्र है और
बिल्कुल गुप्त और गोपनीय तरीके से साधना अगर आप करेंगे अवश्य ही आपको इसमें सफलता मिलेगी। कई लोग मंत्र को परखने के लिए मंत्र जप करते हैं, ऐसे लोगों को सिद्धि नहीं मिलती है। ग्रामीण भाषी लोगों को जल्दी मंत्र सिद्ध हो जाते हैं, क्योंकि अगर कोई शहरी विद्वान होगा तो मंत्र के अर्थ के चक्कर में पड़ा रह करके उसे लाभ नहीं मिलता है, और ग्रामीण व्यक्ति एक सीधा साधा व्यक्ति जब मंत्र अपने गुरु से प्राप्त कर लेने के पश्चात उसी मंत्र को सर्वस्व मान करके जप करता है, इसीलिए उसे जल्दी सिद्धि मिल जाती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि अपने मंत्र के अंदर पूर्ण विश्वास रखें, अपने गुरु के अंदर पूर्ण विश्वास रखें, अपने गुरु से ही यंत्र प्राप्त करें। जिसने खुद ने इसकी सिद्धि कर रखी है उसी से ही यंत्र प्राप्त करना चाहिए, तब जल्दी साधना में सफलता मिलती है और 100% अनुभूति होती है, इसमें संदेह नहीं है। धन्यवाद।